महिलाओं का बाहरी शरीर बहुत खास और नाजुक होता है। इसकी संरचना न केवल शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक महिला के जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा होता है। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं, ताकि हम सभी इसके महत्व को महसूस कर सकें। मोनस प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ये महिला की श्रोणी पेल्विस के ऊपर मौजूद एक मुलायम और फैटी टिश्यू वाला हिस्सा होता है। ये जगह बालों से ढकी होती है और यौन अंगों की सुरक्षा करती है। यौवन के समय यहाँ बाल आने शुरू होते हैं, जो शरीर के विकास का एक सामान्य हिस्सा है। लैबिया मेजोरा, लैबिया मजोरा, इसे बाहरी होंठ भी कहते हैं, जो योनिमार्ग, वजाइना और अन्य आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखते हैं। यह नरम और मांसल त्वचा होती है, जिसके ऊपर बाल होते हैं। इसका मुख्य कार्य नाजुक अंगों को बाहरी चोट और घर्षण से बचाना है। लैबिया मिनोरा, लैबिया मिनोरा, यह लैबिया मेजोरा के अंदर स्थित पतले और बिना बाल वाली त्वचा की तह होती है। यह हिस्सा बहुत ही संवेदनशील होता है और यौन उत्तेजना के समय इसका रंग गहरा हो सकता है। यह योनि मार्ग और मूत्र मार्ग को ढकता है और उनकी सुरक्षा करता है। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस, ये छोटा लेकिन अत्यधिक संवेदनशील अंग होता है, जो यौन सुख से जुड़ा होता है। ये हजारों नसों का जाल है और यौन उत्तेजना के समय इसे स्पर्श करने से महिला को आनंद महसूस होता है। इसका एकमात्र कार्य सुख प्रदान करना है। मूत्र मार्ग, यूरिथ्रल ओपनिंग, ये छोटा सा छिद्र योनि मार्ग के ठीक ऊपर होता है, जिससे मूत्र बाहर आता है। ये शारीरिक प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, जो हमारे शरीर से अनावश्यक तरल पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। योनि मार्ग, वजाइनल ओपनिंग, ये वह स्थान है जिससे मासिक धर्म का रक्त बाहर आता है और यौन संबंध के समय प्रवेश का मार्ग होता है। प्रसव के समय बच्चा भी इसी मार्ग से बाहर आता है। ये महिला के शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो उसकी प्रजनन क्षमता से जुड़ा है। हाइमन, हाइमेन, ये एक पतली झिल्ली होती है जो योनि मार्ग के प्रवेश द्वार पर होती है। इसे लेकर कई मिथक हैं, लेकिन यह हर महिला में अलग अलग रूप और आकार में होती है। किसी महिला के चरित्र या शारीरिक अनुभव से कोई संबंध नहीं होता। महिलाओं का शरीर अद्वितीय और संवेदनशील होता है। इसका हर हिस्सा उसकी देखभाल और सम्मान का हकदार है।